हाय गाइस, मैं देवदेव अग्रवाल। मेरे पास है A13 आईफोन और इसके अंदर लगा है A15 सीपीयू। ठीक है, एकदम फ्रेश बोर्ड है। हम इसका सीपीयू निकाल के रिबोल करके वापस लगाएंगे और इसको जिंदा करेंगे। तो अभी इसकी जिंदा की रीडिंग देखने का मतलब नहीं है, जब हम इसको चालू करेंगे तभी इसकी रीडिंग देखना। ठीक है, चलिए। इसमें लगा है देखिए A15। बहुत रुक रखो। तो गाइज ये A15 सीपीयू है और उसको निकालते हैं। और ये सीपीयू को निकालने के बाद हमारा जो बोर्ड की रीडिंग है वो 25 मिली एम्पियर के अंदर होनी चाहिए। अब वो 0.2 हो, 0.5 हो, 0.10 हो, कितनी भी हो सकती है। ये कहना नहीं है कि 19-20 ही हो, ये हो वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास में सीपीयू उठाने के कुछ ये हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा अपन सीपीयू उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं। बाकी अपन सीपीयू तो किसी से भी उठा सकते हैं क्योंकि अपनी टेक्निक ही ऐसी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको जो पेपर घिसने वाले आते हैं उसमें घिस लेना। मेरे पास वो पेपर सैंड पेपर, उसको सैंड पेपर बोलते हैं। तो यहाँ कहाँ रखा था, चलो अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, कोई नहीं, हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आप उसको थोड़ा सा घिस लेना इस तरह से। ठीक है, तो क्या है वो थोड़ा सा घिस लेंगे ना तो वो सही हो जाएगा। और बाकी किसी के बाद में यहाँ पे चीनी वाला वो पत्थर आता होगा उसमें घिस लेना। ठीक है, चलो अपन सीपीयू को निकालते हैं। चलो कोई नहीं, तो सीपीयू हमारा निकल गया है। अब मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, वहाँ दिखाइए। ये देखो गाइस, आप मुझे जज करके बताओ सीपीयू कैसा निकला है। एक भी ट्रैक नहीं मिस हुआ हमारा। सीपीयू मेन नहीं है, अब हमें ये चेक करना है कि हमारे बोर्ड का पावर कितना है। ठीक है, अब देख लो खुद, इसमें ग्लू ना है ही नहीं, मतलब A15 में पता नहीं क्यों उन्होंने ग्लू दिया ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को।
देखो वहाँ पे, वहाँ पे देखो। देखो मैं कोई फॉरवर्ड और ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने फॉरवर्ड किया हो वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड है, नॉर्मली वीडियो चल रहा है, ठीक है।
चलिए देखिए ये हमारा दिखाइए यहाँ पर ठीक है पकड़ कर वैसे पकड़ कर अब हम इसका बूटिंग चेक करेंगे iPhone 13 यहाँ दिखाइए पहले बहुत बढ़िया 00 देखिए 00 आ रहा है थोड़ा पीछे चले जाओ हाँ अच्छा झुक जाओ अब थोड़ा हाथ ऊपर कर लो नहीं हो पाएगा ना वो खींच रहा है पीसी भी दिख रहा है आपको ये देखो विदाउट सीपीयू अभी नो बूटिंग क्योंकि हमारा सेट हमने जो प्रॉपर हीट और सबसे काम कर रहे हैं अब हम बूट करेंगे तो ये 25 मिली एम्पियर से पहले होना चाहिए ये देखो 0.018 iPhone 13 बोर्ड एकदम ओके तो आप देख लो ये इसे टेलीकॉम की टीम की मेहनत है कि अब वो आईफोन के अंदर प्रॉपर रूप से एक नंबर और आईफोन में बेस्ट देगा आपको आईफोन वालों से अच्छा देगा क्योंकि एंड्रॉयड और आईफोन का मिला का सेगमेंट है तो देखो क्लियर है ठीक है
अब डीएसएलआर यहाँ लेके आ रहा लगाना। सीपीयू लगाते हैं, देखिए भाई कैसे सीपीयू लगाए। साइड से सफेद सफेद तो नहीं दिख रहा ना। हमने थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया इसमें, सीपीयू को बैठाया। हल्की हीट मतलब 300 की हीट रखनी है। और आराम से लगाना है। देखो भाई सीपीयू सरक गया। हल्का सा टच दे दिया, चारों कोने पे हीट दे दी। चल फर्स्ट स्टेप में तो ये करते हैं, सेकंड स्टेप में अगर मान लो नहीं होता है फिर भी चालू तो हम एक बार फिर से टच करेंगे। ठीक है, तो हमने लगाया है A13 का A15 CPU। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो भाई, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लिस्ट में जाओ। अपन ने कितना मिनट लिया होगा सब निकालने लगाने उसमें? अपन ने कट करा था ना, इसमें मुश्किल से लिया होगा 20-22 मिनट होगा, आधा घंटा ना, 20-22 मिनट रिवॉल्व और सब में। हाँ क्योंकि निकाला और रिवॉल्व ही तो किया है, क्या ये क्रैंक किया है, ज़्यादा समय नहीं लगा ना। कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा तुम्हें? क्यों ये देखो, कुछ दाने दिखाते हैं क्या? ये दिख रहे हैं क्या? पूरी बोले दिख रही कंटिन्यू। चलो भाई
इतना मैं नहीं पाए। चल भाई निराश मत करना। नहीं निराश नहीं करेगा। वेरी गुड, जीरो शॉटिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाइए, अब मैं यहाँ पर इसको ट्रिगर कर रहा हूँ, तो जैसे ही ट्रिगर करूँगा फिर मैं वहाँ ऊपर देखना है। देखिए ट्रिगरिंग, देखिए तो देखिए हम फिर से इसको ट्रिगर कर रहे हैं। हमें कुछ देर तक इसको ट्रिगर करना है। देखिए दिखाइए, और ये जाने का 200 के ऊपर, ये देखिए नोटिस करो, ये देखो 200, 300, 400 हो रहा है। चलो डन, मतलब हमारा ये देखो दान दो, ये 1000 के ऊपर भी जाएगा, ये देखो ओके। मतलब हमारा बूट सक्सेसफुली ऑन हुआ, हमारा सीपीयू सक्सेसफुली हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा, हमने बोर्ड तो नहीं, ऐसा तो नहीं हमने दूसरे बोर्ड पे कर दिया, ये आपको बोर्ड दिखाते हैं। दिखाइए यहाँ पर, देखिए यही बोर्ड है, इसमें काम हुआ था, ये देखिए सेम बोर्ड, और रीडिंग यह हमारा रीडिंग। तो मैं फिर से आपको बूट करके दिखाता हूँ, नोटिस कीजिए, देखो सेम बोर्ड है हमारा, ठीक है। बूटिंग देख लो भाई, लो भाई 813 डन वन टाइम, चलो। हेलो, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताएगा जरूर। तो सर इसमें अपन डिस्प्ले लगा के देख सकते हैं क्या, डिस्प्ले है आपके पास? डिस्प्ले लगा के देखे, हाँ डिस्प्ले लगा के काम नहीं चलेगा, रीडिंग में जनता बोलेगी कुछ ऐसा हो गया। चलो ठीक है, मेरे पास एक डिस्प्ले पड़ी तो है, देखते हैं, पड़ी टूटी हुई है, पर देखते हैं कि ये डिस्प्ले, ये एक स्वैपिंग के लिए था, बोर्ड उसका है, चलो लगा के देखते हैं, आइए इधर। तो ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं, देखिए 0000, ये हमने टिकट किया, देखा ऊपर टिकट, ये ट्रिगर कर रहे हैं, एक मिनट हाँ। बूट केबल, ठीक है, तो हम फिर से टिकट करते हैं, छूट जा रहा है वो, विदाउट माइक्रोस्कोप कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए देखिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जी देखिए प्रॉपर ऑल सेट डन, यहाँ पर देखिए टच भी ऑन है, टच भी वर्किंग है इसका, ठीक है। और ये बोर्ड भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो
यहाँ पे दिखाओ माइक्रोस्कोप में। देखिए दिख रहा है? यहाँ दिखाइए। देखिए भाई प्रॉपर टच के साथ यहाँ पर तो प्रॉपर यहाँ पर एक मिनट। हाँ अब थोड़ा पकड़ो उसको अच्छे से, हिलाना मत है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, रीडिंग भी आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको टेक्निक अच्छी लगी हो और आप जानना चाहते हो कि मैंने हीटिंग क्या रखी, क्या सर आप हमसे करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप मेरे ऑनलाइन कोर्स में जाओ, आईफोन एंड्रॉयड आपने करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च करना है एशिया टेलीफोन आईफोन, आपको मेरा एप्लीकेशन आएगा, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी बहुत सारे नए अपडेट डाले हैं, अभी बेसबैंड कोर्स डाला है इसके अंदर। चलिए अब आपने इसको ओपन करना है, ये आ जाने के बाद आप इसको लॉगिन कर लेना। आप लॉगिन अगर आप नेपाल से हैं या पाकिस्तान से हैं या कहीं से भी हैं इंडिया के बाहर, तो आप ईमेल से लॉग करना और वेबसाइट से खोलना, पर अगर आप इंडिया से हैं तो आप मोबाइल से लॉग करना। देखिए अभी आप देखो तो अभी कोर्स की जो प्राइस है वो 1111 है। आपने स्टोर में जाना है, आईफोन बेसबैंड कोर्स है, कमाल का कोर्स है। इसके अंदर आपको बेसबैंड के 6 से 15 तक बेसबैंड फॉल एरर डायग्राम्स रिक्वायरमेंट ऑफ पीवीपीएम सब डाला है भाई। डीएसओ कैसे फाइलों को चेक करना है, हैंडटैग ये वो बहुत सारी चीज डाली है, मतलब आप सोच नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, और ये कोर्स केवल है 6,000 रुपये का, ठीक है, कोई 80,000 रुपये का नहीं है। ऊपर से ये रीगल का कोर्स, आप अगर डीएसओ से अपडेट होना चाहते हैं तो 2 DSO से मैंने आपको यहाँ पे बताया, कंटेन बहुत ज़्यादा है, ICD कोडिंग, I2C कोडिंग, NAND प्रोटोकॉल, RFF स्कैन, बेसबैंड सिग्नल कैसे चेक करना है, ठीक है, प्रॉम कैसे चेक करना है, आईफोन की ICR कैसे टेस्ट करना है, UTD का पूरा है, रीगल का पूरा है, हैंडटेक का पूरा है। ठीक है, आप जा सकते हैं मेरे, अगर आपको सब चाहिए तो आप ये वाला कोर्स परचेज कर लेना। इसके अंदर तो कंप्लीट है भाई, आईफोन 6 CPU निकालने के इतने स्पेशल ट्रिक हैं, अलग अलग स्पेशल ट्रिक हैं। आईफोन 6 कंप्लीट कोर्स, आईफोन 7, आईफोन X, आईफोन 11 और आईफोन 12 और आईफोन 13 दे रहा है। NAND प्रोग्रामिंग पूरी है, पैनिक रिपोर्ट, बेसबैंड कोर्स है, एड मल्टीमीटर कोर्स है, लॉजिक एनालाइजर, 13 सीरीज की चीजें, 14 15 का जो मिलता है डालता जाता हूँ, DC बूट सिक्वेंस, एप्पल अल्टरनेटिव IC, आईफोन पावर IC प्रैक्टिकल वर्क, iPhone 12 Pro Max अपकमिंग जो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, CPU में RAM के काम, I2C डाटा कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, सॉर्टिंग केस, नेटवर्क, ठीक है, तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। iPhone टीयर डाउन शोकेस, वूजिंग के आपको VIP कोड है, तो ये सब कुछ है। आपने यहाँ पर इसको परचेस करने के लिए क्या करना है बताता हूँ, नीचे जाइएगा, ये 20% का क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 8,889, और ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, मैं होली में रखा हूँ, फिर मैं ये 20% हटा दूंगा भाई, 11,000 का है, और 11,000 का भी बनता है क्योंकि इस कोर्स में ना बहुत मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच।